हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम करने वाले हैं मीशो टॉप्स हॉल। मैंने इसमें ना 15 टू 20 पीसेस तो रखे हैं टॉप्स वाले, और 5 टू 6 मैंने इसमें इंक्लूड की हैं स्कर्ट्स, क्योंकि मुझे स्कर्ट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही थी। तो और इन सभी के जो लिंक्स हैं वो मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का हॉल वीडियो। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं दिखाती हूँ आपको फर्स्ट टॉप, जो कि हम लोगों को ऐसे ब्राउन कलर में मिल जाएगा। और ये टॉप बहुत ज़्यादा क्यूट है, बहुत ज़्यादा। और इसमें ना हम लोगों को ऐसे स्पेगडी या फिर कुछ ब्रालेट वगैरह की नीड नहीं होती, बिकॉज इसमें अंदर ब्रालेट अटैच है। इस तरीके के हम लोग कप्स मिल जाएंगे, एंड मतलब सॉलिड मटेरियल है, अच्छा मटेरियल है, क्यूट लगेगी पहनने के बाद और अफोर्डेबल ही है। और इसमें ना बहुत सारे आपको वैरायटी मिल जाएगी, लाइक कलर ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। तो जो भी आपको पसंद हो आप ले लेना। ये इसमें इस तरीके का नेकलाइन मिल जाएगा, फुल स्लीव्स हैं और अफोर्डेबल ऑप्शन है, ज़रूर इसको चेकआउट कर लेना। मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था और अफोर्डेबल भी है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हम लोगों को ऐसे पाउडर ब्लू कलर में मिल जाएगा, और इसका जो मटेरियल है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल है। फ्रंट बैक सेम मिल जाएगा आपको, मटेरियल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और ये कुछ ऐसा लगेगा फ्रंट साइड से। और इसमें स्लीव्स नहीं, ऑफ कोर्स इस तरीके का है, क्यूट सा टॉप है, मिनिमल सा है, बेसिक सा है। कहीं यहाँ वहाँ जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स इसको चेकआउट कर सकते हो, अफोर्डेबल रेंज होगी। नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको ब्यूटीफुल सा पिंक कलर का टॉप, और इसका भी मटेरियल काफ़ी अच्छा है, और मतलब इस वेदर में आप आराम से पहन पाओगे। स्लीवलेस है और इसका जो फ्रंट लुक है कुछ इस टाइप से है, राउंड आपको ऐसे स्क्वायर, थोड़ा स्क्वायर शेप में इसका नेकलाइन मिल जाएगा। साइज़ जो मैंने पिक किया है इसमें स्मॉल साइज है, और मेरे को आराम से परफेक्ट फिट है। बैक साइड से इस तरीके का है, इसको आप ब्लैक बॉटम के साथ, वाइट बॉटम के साथ, या फिर आपके पास ऐसे पिंक कलर की कोई बॉटम है उसके साथ भी क्लब करना, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही प्यारा लगेगा और अफोर्डेबल ऑप्शन है। इसको आप देख सकते हो अपने कॉलेज ऑफिस के लिए ट्राई कर सकते हो अगर आप ऐसा कुछ पहनते हो तो। नेक्स्ट दिखाते हो ब्लैक कलर का टॉप, ये बहुत ज़्यादा क्यूट लगेगा सब लोगों, मतलब अच्छा है ये वाला। और इसका जो मटेरियल है वो भी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। ये आप लोगों को ना ऐसे ऑफ शोल्डर जो टॉप्स होते हैं उस तरीके का मिल जाएगा, और इसका मटेरियल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लाइक ये ना डबल वाला है। और देखो यहाँ पे कोई स्टिचिंग वगैरह ऐसे नहीं है, लाइक फोल्ड करके इसको स्टिच कर रखा है, इस तरीके का है। और साइड से इसका पैटर्न कुछ इस टाइप से है, और बैक से थोड़ा सा फ्रंट से ये आपको लॉन्ग मिल जाएगा इस तरीके का, एंड बैक से थोड़ा सा शॉर्ट मिल जाएगा। इसका जो स्पेशली ये वाला पार्ट है ना ऑफ शोल्डर वाला, ये बड़ा अच्छा लगता है पहनने के बाद। इसको आप देख सकते हो ब्लैक बॉटम के साथ, वाइट बॉटम के साथ, ब्लू के साथ, जिसके साथ भी अच्छा लगेगा आप पहन सकते हो। अफोर्डेबल ऑप्शन है ये भी, सो चेकआउट कर लेना। लिंक इनके सभी के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट दिखाती हूँ अगेन ब्लैक कलर का टॉप, बट इसका जो मटेरियल है वो कॉटन मटेरियल है, और आपको इसमें ना इस तरीके की स्ट्रैप्स मिल जाएंगी। इस टॉप को ना ऐसे ब्लिंगी ब्लिंगी बहुत है, तो इसको अगर आप नाइट में भी पहनोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। ये देखो सीक्वेंस लगा रखे हैं इसमें, ऐसे लेस वर्क है सीक्वेंस वाली। इसमें आपको वी नेकलाइन मिल जाएगा, और ये सारे आपको ऐसे सीक्वेंस मिल जाएंगे पूरे में ही। स्लीवलेस है, इसमें आपको कोई स्लीव्स नहीं मिलेगी। एज अ ट्यूनिक पहन सकते हो, एज अ टॉप पहन सकते हो, अच्छा लगेगा। और साइज मैंने इसमें लिया है स्मॉल साइज, और साइज इसके परफेक्ट है, लाइक लूज लूज कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा है। फ्रंट बैक इसका सेम है, ऐसे सीक्वेंस लगा रखे हैं छोटे छोटे फ्रंट में भी और बैक में भी, अच्छा है, इसको चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट दिखाती हूँ, नेक्स्ट अगेन बेसिक सा है, हम लोग ऐसे टॉप मिल जाएगा, क्रॉप टॉप ब्राउन कलर का, एंड इसमें इस तरीके के बटन डिटेलिंग है, स्लीवलेस है, डेली वेयर में कैरी कर सकते हो, अपने कॉलेज में पहन सकते हो इस तरीके के। नेक्स्ट दिखाती हूँ ये वाला भी ना, जो मैंने फर्स्ट दिखाया था ना, हल्का सा मेश काइंड ऑफ है इसका फैब्रिक भी, बट उससे ज़्यादा अच्छा है इसका फैब्रिक। इसका थोड़ा सा और ज़्यादा सॉलिड है, उसका थोड़ा सा नाजुक सा है, बट इसका थोड़ा सा मतलब और ज़्यादा अच्छा है। इसके कलर कॉम्बिनेशन, कलर कॉन्ट्रास्टिंग ऐसे हैं, पहनने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसका फिट लुक, लाइक ये स्ट्रेचेबल ही है, और साइड से आपको इस टाइप से कुछ मिल जाएगा। सो ऑल ओवर लुक इसका बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा था, ट्रायन से देखना आप। इसका कलर कॉम्बिनेशन ही मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, ऐसे थोड़े से डार्क डार्क, तो आप इसको वाइट पिंक किसी भी बॉटम के साथ में पहन सकते हो, ब्लैक किसी भी बॉटम के साथ में पहन सकते हो। नेक्स्ट दिखाती हूँ ये भी हम लोगों को बेसिक सा टॉप मिल जाएगा, बट इसका जो फैब्रिक है ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, बहुत ज़्यादा, ये देखो इतना ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, लाइक ये जो साइज़ है स्मॉल साइज़ है, बट ये मीडियम लार्ज सबको फिट हो जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है। तो इसका फ्रंट लुक कुछ इस तरीके का है, छोटे छोटे आपको स्लीव्स मिल जाएंगी, बैक साइड से भी इस तरीके का है। इसको आप ब्लैक
ट्राउज़र के साथ, ब्लैक बॉटम के साथ कैरी करना। मटेरियल मुझे इसका सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है और ये इसका फिट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, इसका लुक भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। और इस तरीके के बेसिक टॉप मुझे ऐसा लगता है हर कोई पहन सकता है, सो अफोर्डेबल ही रेंज है, तो चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट जो मैं दिखाने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा कलरफुल और बहुत ज़्यादा क्यूट प्रिटी सा टॉप है। तो ये देखो इतने ज़्यादा सुंदर पेस्टल कलर के सारे शेड्स इसमें यूज़ हो रखे हैं। फ्रंट बैक इसका पूरा सेम मिल जाएगा, किसी भी बॉटम के साथ में आप इसको क्लब कर लेना। नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ आपको एक स्कर्ट जो कि हम लोग है ना लेपर्ड शेड में मिल जाएगी, फुल्ली इलास्टिक मिल जाएगा हम लोगों को यहाँ से। एंड ये पूरी इसी तरीके की है, प्रिंटेड काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ्लेयर है। और इस तरीके की एक मैंने रेड भी दिखाई थी, आई थिंक उसी तरीके की है, ये जो क्रस्ट वाला फैब्रिक होता है ना उसी तरीके का है। नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ आपको बेसिक सी टी शर्ट और इसकी जो लेंथ है ना मुझे परफेक्ट लग रही है, इतनी लेंथ मुझे सही लगती है, ना बहुत ज़्यादा क्रॉप है ना ही बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। छोटू सा आपको ऐसे नेक लाइन मिल जाएगा एंड हाफ स्लीव्स मिल जाएंगी इस तरीके की, और बहुत ज़्यादा सुंदर इसमें क्यूट सा प्रिंट हो रखा है वाटरमेलन का। फ्रंट बैक आपको सेम मिल जाएगी। इस तरीके की बेसिक टी शर्ट्स को कहीं भी कभी भी पहन सकते हो, अपने कॉलेज में पहन सकते हो, कभी कभार आपका कुछ ऐसा इजी ब्रीजी सा पहनने का मन है तो आप इसको कैरी कर सकते हो। मटेरियल काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है इसका एंड वाइट बेस ऑफ कोर्स अच्छा लगता है। नेक्स्ट भी मैं आपको दिखाती हूँ एक वाइट कलर का टॉप जिसका मटेरियल ना शिफॉन मटेरियल है एंड यहाँ पे आपको ऐसे मिल जाएगा इलास्टिक और फुल स्लीव मिल जाएगी, इसी तरीके का फैब्रिक है एंड इसमें इतना ज़्यादा सुंदर ऐसे लेस डिटेलिंग मिल जाएगी एंड यहाँ पे भी इन्होंने इलास्टिक लगा रखा है जिससे कि ना फिट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। और बैक साइड से इसमें इसे स्मोकी इफेक्ट मिल जाएगा तो फिट का कोई इशू नहीं होगा, इसका फिट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, बेसिक सा है एंड इसकी जो लेस वर्क है ना लेस पैटर्न इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा क्यूट सा है। मुझे ये टॉप बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है तो इसको आप डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। और इसमें ना एक दो कलर ऑप्शन और भी हैं तो जिसको वो पसंद है वो भी ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट दिखाती हूँ वाइट एंड ब्लैक का कलर कॉम्बिनेशन है इस टॉप का, मतलब ये ना काओ प्रिंट है। इसका जो फैब्रिक है काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्ट्रेचेबल है एंड इसका जो नेकलाइन है थोड़ा सा स्वीट हार्ट काइंड ऑफ इसका नेकलाइन मिल जाएगा, हाफ इसमें स्लीव्स मिल जाएगी। फ्रंट बैक सेम है और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं क्रॉप टॉप है ये, सो इसको आप ब्लैक बॉटम के साथ में बहुत सही लगेगा, मतलब ब्लैक बॉटम के साथ में अच्छा लगेगा और अफोर्डेबल ऑप्शन है ये भी। नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ आपको अगेन क्रॉप टॉप है और ये आप लोगों से वाइट एंड ब्लैक चेक में मिल जाएगा। ये इसका फ्रंट लुक है जो अभी मैं दिखा रही हूँ आपको और इसमें ना यहाँ पे इलास्टिक मिल जाएगा एंड यहाँ पे भी इलास्टिक मिल जाएगा इसके स्लीव्स में एंड हाफ स्लीव है, देखो कितना ज़्यादा क्यूट है, मतलब देखने पे ये टॉप मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बैक साइड से भी इसी तरीके का है एंड ये इसमें ऐसे टाइप्स डिटेलिंग मिल जाएगी जो बैक साइड से टाई हो जाएगा, सो इसकी वजह से ना इसका फिट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। एंड अब मैं दिखाती हूँ आपको क्रॉप टॉप है अगेन बट इसका जो कलर है बड़ा प्यारा है, पिंक कलर का मिल जाएगा एंड ये वाला इसमें ना स्मोकी इफेक्ट मिल जाएगा इस तरीके का और हाफ स्लीव्स मिल जाएंगी हम लोगों को। और इसका जो मटेरियल है ना वो आप लोगों को मिल जाएगा क्रेप मटेरियल, फ्रंट बैक सेम मिल जाएगा, यहाँ पे भी इसमें इलास्टिक है सो इसकी वजह से इसका फिट काफ़ी अच्छा आ रहा है एंड स्लीव्स में यहाँ पे भी इसमें इलास्टिक मिल जाएगा। सो ओवरऑल ये कुछ इसका लुक ऐसा है, आप इसको चेकआउट कर लेना यहाँ वहाँ घूमने के लिए, मतलब बेसिक सा टॉप है अच्छा लगेगा। नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ आपको एक स्कर्ट, इसका ना मुझे कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लाइक ना तो ये पाउडर ब्लू है ना ये ब्लू है ना ये आइस कलर है, थोड़ा सा अलग सा डिफरेंट सा कलर है, थोड़ा सा इसमें ग्रे और ऐसे पाउडर ब्लू का कॉम्बिनेशन है, हल्का सा डार्क लाइट इस तरीके का है। फुल्ली इलास्टिक मिल जाएगा हम लोग यहाँ से एंड ये सेम ही जो क्रश्ड फैब्रिक होता है उस तरीके की, और ये वाला थोड़ी सी स्कर्ट ना लॉन्ग है बट बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है और बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं है, इसकी हाइट आप देख सकते हो ट्रायम से। मुझे स्कर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है और इसका जो मटेरियल है ना कॉटन सिल्क टाइप का है, लाइक थोड़ा सा इसमें कॉटन है और थोड़ा सा इसमें सिल्क भी टच है, लाइक क्रेप सिल्क टाइप है इस तरीके का है, प्योर कॉटन भी नहीं है एंड ये सिल्क भी नहीं है और 100% क्रेप भी नहीं है, थोड़ा मिक्स काइंड ऑफ है और सी थ्रू वो बिल्कुल भी नहीं होगी, यहाँ वहाँ जाने के लिए अच्छा ऑप्शन है और अफोर्डेबल ही है। नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ आपको वाइट एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में स्कर्ट, अगेन सेमी इलास्टिक मिल जाएगा यहाँ से एंड ये आपको ऐसे बटन की डिटेलिंग मिल जाएगी और ये आपको ऐसे रफल की डिटेलिंग मिल जाएगी यहाँ से, और स्ट्रेट फिट काइंड ऑफ जो ए लाइन सॉर्ट ऑफ जो स्कर्ट्स होती है ना उसी टाइप का ये इसका जो लुक है वो इसी तरीके का है। बैक साइड से भी आपको ऐसी मिल जाएगी एंड ये अगेन आपको फ्रिल्स मिल जाएंगे। इसका जो मटेरियल है 100% प्योर जो मोटा वाला कॉटन होता है उस तरीके का है, सो मतलब थोड़ा सा थिक मटेरियल होता है ना स्कर्ट्स का तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं।
नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ आपको बेसिक सा टॉप, जो कि हम लोगों से नेकलाइन मिल जाएगी, हॉल्टर नेकलाइन मिल जाएगी इसमें, एंड बैक साइड से इसका जो लुक है कुछ इस टाइप से आएगा। इसका जो फैब्रिक है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल है और लाइट वेट है, लाइक फील भी नहीं होगा जब आपने ऐसा कुछ पहना है, तो काफ़ी ज़्यादा ब्रीदेबल है इसका फैब्रिक एंड अफोर्डेबल ऑप्शन है इसमें। एक दो नहीं, इसमें काफ़ी सारे कलर ऑप्शन हैं, तो आप जो अगर आपको वो पसंद है तो वो बाय कर सकते हो। अफोर्डेबल है और मटेरियल इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ आपको एक सैटन शर्ट। इसका जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंग इसका मटेरियल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सैटन शर्ट ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आती है। इसका जो कलर मैंने इस बार पिक किया है ब्राउन कलर पिक किया है, वाइट ऑफ कोर्स मेरे पास वाइट ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। फुल स्लीव्स मिल जाएगी एंड इस तरीके का आपको इसमें शाइन मिल जाएगा। और जो मैंने साइजेस में पिक किया है मीडियम पिक किया है, मुझे एकदम परफेक्ट फिट है इसका। फिट ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बैक साइड से प्लेन मिल जाएगी। इसका जो प्राइस है ओनली 450 समथिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो मटेरियल है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मतलब वैसे ही आप लोगों को सैटन शर्ट काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मिलती है, लाइक 2000 समथिंग मिलेगी। सो ओनली 400 450 के अकॉर्डिंग इसका जो फैब्रिक है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लुक तो वैसे ही। तो जिसको भी इस तरीके की सैटन शर्ट पहनना पसंद है और अफोर्डेबल प्राइस में, तो इसको आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। इसमें काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट जो टॉप है इसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, नेकलाइन भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है और इसका कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और हल्का फुल्का ये स्ट्रेचेबल भी है। नेकलाइन आपको इसमें ऐसे हॉल्टर काइंड ऑफ नेकलाइन मिल जाएगा, स्लीवलेस है और ओवरऑल लुक आपको इसका कुछ ऐसा मिलेगा फ्रंट साइड से एंड बैक साइड से आपको कुछ ऐसा मिलेगा, मतलब सेम ही है फ्रंट और बैक, बट क्यूट टॉप है ये। आप इसको किसी भी कलर के बॉटम के साथ में कैरी करना अच्छा लगेगा, लाइक ब्लू ब्लैक किसी के साथ भी पहनना बहुत ज़्यादा सही लगेगा, क्योंकि इस तरीके के बेसिक टॉप अच्छे ही लगते हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो इस हॉल का जो आइटम है वो है हम लोग पास स्कर्ट, और इसका भी ना फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लाइक जो सैटन फैब्रिक होता है ना वो है, आपको इसमें शाइन भी दिख रही होगी कितनी अच्छी शाइन आ रही है। एंड अगेन ये क्रश्ड वाला फैब्रिक ही है, और कुछ मैंने एक दो ऑप्शन और भी मंगाए थे बट वो मुझे अभी डिलीवर नहीं हुए हैं, किसी और हॉल वीडियो में इसे इंक्लूड कर दूंगी। इसमें सेमी इलास्टिक मिल जाएगा हम लोगों वेस्ट लाइन से एंड ये पूरी ही इसी तरीके की मिल जाएगी। ए लाइन सॉर्ट ऑफ है, काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर है, ये देखो इसका लुक जो है ना वो ए लाइन जो स्कर्ट्स होती है उस तरीके का है, बट काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर है बिकॉज ये ऐसे क्रश्ड जो फैब्रिक होता है उस तरीके की है ना, और छोटे छोटे से प्लीट्स वाली है, मतलब ये वाला पैटर्न मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और ये वाला काफ़ी टाइम से मतलब आप लोगों ने देखा ही होगा बट अच्छा लगता है। सो जिसको भी इस तरीके के स्कर्ट्स पसंद हैं तो डेफिनेटली चेकआउट कर लेना, और इसमें कोई आपको लाइनिंग वगैरह नहीं मिलेगी बट ये सी थ्रू भी नहीं है। सो बस यही था आज का हमारा हॉल वीडियो, तो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता देना, और अगर आपको इसी तरीके की वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।